नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले में शहीद दिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय में रक्तदान का आयोजन किया गया, जहां इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक कार्यालय में पहुंचकर रक्तदान किया एवं जिला चिकित्सालय में रक्तदाताओं का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। वही रक्तदाताओं ने बताया कि आज शहीद दिवस के अवसर पर रक्तदान का कार्यक्रम आयोजित किया गया एवं देश के नाम कुर्बानी देने वाले शहीदों को हम नमन करते हैं एवं रक्तदान महादान है, इसलिए हम सभी जिले वासियों को रक्तदान कार्यक्रम में सहयोग करके लोगों की जान बचाने में अपना सहयोग प्रदान करें एवं रक्तदान से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग इस कार्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। पेशुमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। रजक विकटगंज का रहने वाला हूँ और आज शहीद दिवस के दिन पर ब्लड डोनेट का यहाँ पे कार्य किया जा रहा है और मुझे यहाँ पे ब्लड डोनेट करके बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूंगा कि मेरे साथी भाई मुझसे भी मिले और यहाँ पर आकर ब्लड डोनेट करें। धन्यवाद जी। मैं वार्ड नंबर 9 लालपुर का रहने वाला हूँ और आज हमें पता चला है कि हमारे जिला अस्पताल में ब्लड डोनेट हो रहा है। जैसे कि हमको पता है कि रास्तों में जैसे दुर्घटनाएं हो जाती हैं और लोगों को ब्लड की आवश्यकता पड़ जाती है और नहीं मिल पाती हैं, इसलिए मैंने आज यहाँ आके एक सामाजिक नागरिक होने के नाते। मैं ऋषभ पांडे वार्ड नंबर 3 रामपुरी का रहने वाला हूँ, आयुष विभाग में कार्यरत हूँ और मेरे दोस्त द्वारा बताया गया, जैसा कि सभी को जानकारी हो कि आज शहीद दिवस मनाया जा रहा है और मेरे दोस्त द्वारा बताया गया कि आज ब्लड डोनेट करना है सभी लोगों को, तो मैं आया हूँ यहाँ पर ब्लड डोनेट करने के लिए और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ब्लड डोनेट करके। मैं चाहता हूँ समस्त जिला वासियों से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और यहाँ पर ब्लड डोनेट करें, जिससे कि जिन गरीब व्यक्तियों को ब्लड की ज़रूरत है उनको उस ब्लड की। आज 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 1500 यूनिट रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया है, जिसमें जिस कड़ी में ब्लड बैंक उमरिया जिला चिकित्सालय में माँ नर्मदा और स्वास्थ्य सेवा समिति की तरफ से ब्लड बैंक शिविर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें माँ नर्मदा स्वास्थ्य सेवा समिति के अध्यक्ष आम जनता से यही अनुरोध है कि अधिक से अधिक ब्लड बैंक में आकर ब्लड डोनेट करें और इससे ब्लड कोई किसी तरह से नुकसान नहीं है, पुण्य का कार्य है, रक्तदान एक जीवन दान। शहीद दिवस के अवसर पर आज पूरे भारतवर्ष में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है और उसी कड़ी में हमारे उमरिया ब्लड बैंक में भी माँ नर्मदा स्वास्थ्य सेवा और लोक सेवा समिति की तरफ से एक शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग अभी 25 के आसपास रजिस्ट्रेशन हमारे पास में हो गए हैं और 20 डोनेशन के आसपास अभी तक डोनेशन यहाँ पर रक्तदान हो चुका है और भी अभी ये करीब करीब 4 बजे तक हमारे पास ये कैंप चलेगा, जिसमें उम्मीद है कि 50 मिनट के आसपास आज रक्तदान हमारे पास में होगा और पहले भी समिति के द्वारा और विभिन्न प्रकार की समिति और सामाजिक संगठन द्वारा यहाँ पर शिविर लगाए जाते हैं और मेरा सभी से यही अनुरोध है कि इस प्रकार से समय समय पर कैंप का आयोजन किया जाए, जिससे जो जरूरतमंद के व्यक्ति होते हैं, जो आकस्मिक जिनको चिकित्सा की आवश्यकता होती है, रक्त जिनके शरीर में कम होता है, उनको समय पर रक्त उपलब्ध हो। मेरा सबसे पहले सादर नमन है उन शहीदों को जो देश के नाम कुर्बान हुए। आज इस उपलक्ष्य में NIFIA के और माँ नर्मदा सेवा समिति के माध्यम से उमरिया जिला चिकित्सालय के तहत ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखा गया है। रक्तदान महादान है, उसको वो समझ में आता है जब अपने मरीजों को रक्त की आवश्यकता पड़ती है। ब्लड जब ना तो खरीदा जा सकता है ना किसी से लिया जा सकता है, आम जनता की सहयोग की अपेक्षा है कि अधिक से अधिक मात्रा में रक्तदान करें, ताकि उमरिया जिले में जो भी पेशेंट है जिनको आवश्यकता है हम उनको जीवन दान दे सके। साथ ही साथ रक्तदान के साथ साथ अंगदान भी किया जाता है, मरने के बाद आदमी पुण्य को प्राप्त होता है और अंगदान से ज़्यादा पुण्य मेरे हिसाब से कोई नहीं, मैंने स्वयं किया हुआ है और अब तक अपनी लाइफ में मैंने 56वां बार है मेरा जब मैंने ब्लड डोनेट किया है। मैं ये भी संदेश दूंगी कि ब्लड देने से न तो कमजोरी आती है न किसी प्रकार के स्वास्थ्य को हानि होती है, बल्कि ये मान लीजिए कि एक बहता हुआ पानी और स्थिर पानी में जो फर्क है वो फर्क होता है। यदि आप देते रहेंगे तो आपका ब्लड रिवाइज होगा और कई बीमारियों से आप महफूज रहेंगे, क्योंकि जब ब्लड लिया जाता है और देने के दरमियान आपकी कई जांच होती है, इस दौरान आप स्वास्थ्य से धर्म से हर तरीके से सुरक्षित यहाँ का वो पुण्य